नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पोस्ट कोड 93/20 TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर और पोस्ट कोड 32/21 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की पोस्ट में अप्लाई कर रखा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट कोड 15/17 जो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की वैकेंसी 2017 में आई थी उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स आने वाली वैकेंसीज़ का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि पोस्ट कोड 32/21 और 93/20, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी उनको एग्ज़ाम पैटर्न समझने में और किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो उनको ये जानने में काफ़ी आसानी होगी। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। इस वीडियो में हम पोस्ट कोड 15/17 के पेपर का पार्ट बी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे स्पेशल एजुकेशन से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं ये पेपर है पोस्ट कोड 15/17 का जो वैकेंसी 2017 में आई थी स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की MCD में, और इस पेपर का एग्ज़ाम जो था ये लिया गया था 22 जुलाई 2018 को। तो यहां पर पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो पोस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी जो हमारी पोस्ट है जैसे कि स्पेशल एजुकेटर हमारी पोस्ट है तो स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग मेथडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि कैसा पेपर आया था। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि तीक्ष्णता डैश होती है, नॉर्मल विजुअल एक्यूटी इज़ रिकॉर्डेड एज। तो नॉर्मल विजुअल एक्यूटी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, 20/20, 20/200, 20/40 और 200/20। तो नॉर्मल विजुअल एक्यूटी होती है दोस्तों 20/20, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, सेल्स इन द आई दैट रिस्पॉन्ड टू लो लेवल इल्यूमिनेशन आर कॉल्ड रॉड्स, कोन्स, रेटिनल सेल्स और नॉक्ट्यूमल डिटेक्टर। नेत्र की कोशिकाएं जो निम्न स्तर की दीप्तियों को प्रतिक्रिया देती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है रॉड्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रेफर्स टू द कंडीशन इन विच। तो ग्लूकोमा के बारे में पूछ रहा है कि ग्लूकोमा किस कंडीशन को दर्शाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आँख में द्रव दाब सामान्य से ऊपर हो जाता है, रेटिना की आंतरिक और बाहरी परत अलग हो जाती है, लेंस बादल जैसा और अपारदर्शी हो जाता है, या रेटिना का केंद्रीय भाग कार्य करना बंद कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। ग्लूकोमा की जो स्थिति है वो एक नेत्र रोग है यानी आई डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, फ्लूड प्रेशर इन द आई इज़ अबव नॉर्मल। तो नॉर्मल फ्लूड प्रेशर जो होता है हमारी आँखों का वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। 104 क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह व्यक्ति जिसने पहली बार सीपी को एक अलग चिकित्सीय स्थिति के बारे में अलग किया। द पर्सन हु फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड सीपी एज अ डिस्टिंक्ट मेडिकल कंडीशन। तो कौन थे वो, अल्फ्रेड बिने, डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल, आईपी पावलोव या फ्रांसिस गार्टन। तो वो व्यक्ति थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द वर्ड सीपी वॉज कॉइंड एंड पॉपुलराइज बाय, शब्द सीपी किसने दिया और प्रसिद्ध किया। तो यहाँ ऑप्शन है आपके थॉर्नडाइक, कोलर, सर विलियम ऑस्लर और बंडूरा। तो जो सीपी वर्ड जो दिया था जिसको पॉपुलर किया था वो थे सर विलियम ऑस्लर। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 106 है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सेरेब्रल रेफर्स टू, तो सेरेब्रल किससे संदर्भित है यानी ये संबंधित है। ऑप्शंस हैं, एक समस्या की कमजोरी, मस्तिष्क के भाग पर किसी चीज़ से, मांसपेशियों में चोट, या उनमें से कोई नहीं। तो सेरेब्रल जैसा कि आपको पता है हमारे दिमाग से संबंधित होता है, मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, मस्तिष्क के भाग पर किसी चीज़ से, समथिंग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 107 क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटिज्म से संबंधित एक विकासात्मक रोग नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू ऑटिज्म। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, एस्पर्जर सिंड्रोम, रेड डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और डिमेंशिया। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एस्पर्जर सिंड्रोम, रेड डिसऑर्डर और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर PDD ये तीनों जो हैं ऑटिज्म से संबंधित है, लेकिन डिमेंशिया जो है भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं ये ऑटिज्म से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। 108 क्वेश्चन, ऑटिज्म के लक्षण। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, असामान्य व्यवहार, क्षतिग्रस्त संप्रेषण कौशल, बुरा सामाजिक संपर्क। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, अनयूजल बिहेवियर पैटर्न, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल और पुअर सोशल इंटरेक्शन। तो आप सभी को पता है कि ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं उसमें ये तीनों शामिल होते हैं, ऑप्शन ए, बी और सी।
तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 109 क्वेश्चन। इकोलेलिया इज डिफाइंड एज, इकोलेलिया के बारे में आप बताइए। तो चार ऑप्शन दिए हैं कि इकोलेलिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ऑप्शंस में, सिंगिंग कंसिस्टेंटली इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड टू स्पीक, रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेज दैट हैव बीन सेड बाय अदर्स, यूजिंग नो वर्ड और साउंड्स, स्पीकिंग इन अ मोनोटोन। हिंदी में पढ़ लेते हैं, बोलने के लिए शब्द का इस्तेमाल करने की बजाय लगातार गाना, दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यांशों को दोहराना, शब्द या ध्वनि का प्रयोग ना करना और एक स्वर में बोलना। तो दोस्तों इकोलेलिया एक कंडीशन होती है जिसमें जो बच्चा या व्यक्ति होता है वो दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों को बार बार दोहराता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। 110 क्वेश्चन। श्रव्यता बाधित एक बड़े वयस्क से बात करते समय आपको, तो व्हेन स्पीकिंग विद एन ओल्डर एडल्ट विद सम हियरिंग लॉस यू शुड, तो क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन दिए हैं, सामान्य से धीमी गति से बात करनी चाहिए, उनके सही कान में जोर से बोलना चाहिए, उनके सामने खड़े होना चाहिए ताकि वे आपके होंठ देख सकें, अन्य व्यक्ति को अनुवाद के लिए कहना चाहिए। तो जब आप एक हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति से बात कर रहे हों जो कि एडल्ट हो, तो उनसे बात करने का सबसे सही तरीका होगा दोस्तों सी, उनके सामने खड़े होना चाहिए ताकि वे आपके होंठ देख सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111। अवशेष श्रव्यता से संदर्भित है, रेजिडुअल हियरिंग रेफर्स टू, तो रेजिडुअल हियरिंग से आप क्या समझते हैं पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हैं, द मेमोरी ऑफ साउंड प्रियर टू द लॉस ऑफ हियरिंग, हियरिंग दैट रिमेन आफ्टर ए हियरिंग लॉस विद एम्पलीफिकेशन, हियरिंग दैट रिमेन विदाउट एम्पलीफिकेशन ओनली, दो साउंड एट अ हाई डेसिबल लेवल। हिंदी में पढ़ते हैं, श्रव्यता क्षति से पूर्व ध्वनि की स्मृति, विलोपन के साथ श्रव्यता क्षति के बाद बची श्रव्यता, और श्रव्यता जो विलोपन के बाद केवल रहती है, और एक उच्च डेसिबल स्तर पर ध्वनियाँ। तो 111 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, यानी विपुलन के साथ श्रव्यता क्षति के बाद बची श्रव्यता। इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हियरिंग दैट रिमेन आफ्टर अ हियरिंग लॉस विद एम्पलीफिकेशन। तो 111 का आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं 112 क्वेश्चन। हियरिंग लॉस मे बी, श्रव्यता क्षति डैश हो सकती है, तो सेंसरी न्यूरल कंडक्टिव मिक्स्ड, सेंसरी न्यूरल कंडक्टिव और मिक्स्ड। तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है तीन प्रकार की होती है, सेंसरी न्यूरल कंडक्टिव और मिक्स्ड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तीनों टाइप की होती है। अच्छा 113 क्वेश्चन है, पहला बधिर अंधा विद्यार्थी जिसने एक कॉलेज की डिग्री ली, द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट हु रिसीव्ड ए कॉलेज डिग्री। चार ऑप्शन दिए हैं, लुइस ब्रेल, हेलन केलर, एन सुलिवान और इथार्ड। तो जो पहला डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट है जिन्होंने कॉलेज की डिग्री ली थी वो थी मिस हेलन केलर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114। डैश एक अनुवांशिकी रोग है जो कोशिकाओं की मृत्यु के कारण समय के साथ धीरे धीरे रेटिना को क्षय कर देता है और अक्सर बधिर अंधता में योगदान करता है। इंग्लिश में, डैश इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज द रेटिनाज टू ग्रेजुअली डीजेनरेट विद टाइम ड्यू टू सेल डेथ एंड ऑफन कंट्रीब्यूट टू डेफ ब्लाइंडनेस। तो चार ऑप्शन दिए हैं, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा और टॉन्सिलाइटिस और एगोराफोबिया और एनीमिया। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा। दोस्तों ये डेफ ब्लाइंड से संबंधित एक रोग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, बधिर अंधता एक डैश है, डेफ ब्लाइंडनेस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मल्टीसेंसरी डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर, नन ऑफ दी अबव। तो जैसा कि आपको पता है कि डेफ ब्लाइंडनेस में जो स्टूडेंट होता है वो देख नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, इसके साथ साथ अगर वो सुन नहीं सकता तो बोल भी नहीं सकता, तो ये एक मल्टीसेंसरी डिसऑर्डर बनता है दोस्तों। तो 115 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116। बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड प्रयुक्त होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, औसत से कम बुद्धि, बौद्धिक कार्यप्रणाली, अनुकूलन कार्यप्रणाली में सामान्यतः दुर्बलता, ये कमियां 18 वर्ष की आयु से पहले घोषित हो चुकी हों और उपयुक्त सभी। इंग्लिश में पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इंपेयरमेंट इन एडेप्टिव फंक्शनिंग जनरली, दिस डेफिसिट शुड बी मैनिफेस्ट बिफोर द एज ऑफ 18। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो कंडीशंस होती हैं उसमें ये तीनों ऊपर की 1, 2 और 3 ABC तीनों कंडीशन उसमें शामिल होती है। तो 116 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक दुर्बलता है,
एन इम्पेयरमेंट। तो यहाँ इम्पेयरमेंट को डिफाइन करने के लिए कह रहा है कि इम्पेयरमेंट से आप क्या समझते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं। तो एक सीमा जो एक व्यक्ति में अनुवांशिक है तब होती है जब एक व्यक्ति भारी कारकों पर आधारित एक स्थिति का सामना करता है। ऑप्शन सी एक मानसिक या शारीरिक संरचना या कार्य में हानि असमानता। ऑप्शन फोर है जब एक सीमित शारीरिक क्षमता वाला व्यक्ति एक इमारत में प्रवेश करना चाहता है जिसमें सीढ़ियां हैं पर उसकी व्हीलचेयर के लिए ढाल नहीं है। तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए लिमिटेशन दैट इज इनहेरेंट इन द इंडिविजुअल कॉज्ड व्हेन एन इंडिविजुअल एनकाउंटर अ सिचुएशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। ए लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ ए साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फंक्शन। ऑप्शन डी है व्हेन अ पर्सन विद लिमिटेड फिजिकल एबिलिटी वांट टू एंटर ए बिल्डिंग दैट हैज स्टेयर्स बट नो रैंप फॉर हिज और हर व्हीलचेयर। तो दोस्तों इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि एक मानसिक या शारीरिक संरचना कार्य में हानि या असमानता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्धिक अक्षमता के किस वर्गीकरण के अंतर्गत अभिरक्षण आता है? दोस्तों एक यहाँ पर सुझाव देना चाहता हूँ कि जब भी आप पेपर में ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जो होगी वो थोड़ी टिपिकल होगी जो आपको समझ हो सकता है प्रॉब्लम हो समझने में। तो अगर आपको हिंदी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना, आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन 18 कह रहा है, 118 कस्टोडियल कम्स अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्लासिफिकेशन करते हैं मेडिकल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल के तीन प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर कस्टोडियल कौन सी कैटेगरी में आता है उन तीनों में से, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। तो कस्टोडियल जो होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें कस्टोडियल आता है। उसमें होते हैं ट्रेनेबल, एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल। तो एजुकेशनल क्लासिफिकेशन हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जब पढ़ते हैं तो तीन तरह से करते हैं, जो होता है एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेनेबल और कस्टोडियल। तो इसका आंसर होगा 118 का ऑप्शन नंबर बी, शैक्षणिक या फिर इंग्लिश में एजुकेशनल। यूडीएल का विस्तार, यूडीएल स्टैंड्स फॉर। तो यूडीएल की फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, इसको सीधा इंग्लिश में पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म डिजाइन फॉर लर्निंग, यूनियन डिजाइन फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग और यूनिवर्सल डिजाइन लिंक। तो यूडीएल की जो सही फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। आपने डिप्लोमा में भी ये टर्म पढ़ी होगी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यूडीएल शैक्षणिक ढांचा किसने बनाया था? दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूडीएल जो है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग ये किसने बनाया था, इसका फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन दिए है एमसी मैक लफलिन, शुक्ला, रोनाल्ड एल मेस और ब्लूम। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोनाल्ड एल मेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 रणनीतिक नेटवर्क डैश में स्थित है, स्ट्रेटेजिक नेटवर्क आर लोकेटेड इन। तो दोस्तों ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। हमारे ब्रेन के चार लोब होते हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और पैरिटल। तो चार लोब के अलग अलग काम होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पूछ रहा है स्ट्रेटेजिक नेटवर्क, तो स्ट्रेटेजिक नेटवर्क बनाना हमारे ब्रेन का एक काम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि स्ट्रेटेजिक नेटवर्क बनाना ब्रेन के किस लोब से संबंधित है। ऑप्शन हैं ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ब्रेन। तो 121 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों फ्रंटल लोब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 122 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति में सहायता करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो चार ऑप्शन दिए हैं, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, रियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक और नन ऑफ दी अबव। तो साइंटिफिक अप्रोच कौन से आदर्शवाद का होता है, वो होता है दोस्तों रियलिस्टिक एजुकेशन। इसमें साइंटिफिक एजुकेशन को जोर दिया जाता है। 123 क्वेश्चन है किसने कहा शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाना है? हु सेड एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो एक स्टेटमेंट दी है, ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसने दी थी ये स्टेटमेंट। प्लेटो है, अरिस्टोटल है, सोक्रेट्स है और रूसो है। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी दोस्तों ये दी थी अरिस्टोटल ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान देना होगा इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखकर ऑप्शंस पढ़ने होंगे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, नॉन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटीज, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन और पत्राचार की शिक्षा। तो
तो जो भी ओपन से डिग्री ली जाती है, कोर्स की जाते हैं, वो नॉन फॉर्मल में आते हैं। यहाँ पर इनफॉर्मल की बात हो रही है, लेकिन ऑप्शंस में इनफॉर्मल का जिक्र नहीं किया गया है। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जैसे कि आपके किसी दोस्त ने आपको कोई सलाह दी या फिर आपने एनवायरनमेंट से कुछ सीखा, वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो 124 का जो सही आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 125 क्वेश्चन कह रहा है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, व्यावहारिकता का संस्थापक कौन है। चार ऑप्शन दिए हैं, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जॉन बी वॉटसन यानी जे बी वॉटसन और सिगमंड फ्रेड। तो जो फंक्शनलिज्म है उसका जो फादर है या उसके जो जन्मदाता हैं वो हैं विलियम जेम्स। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 126 क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद दर्शन के पिता कौन है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, सिगमंड फ्रॉयड, विलियम वुंड, जॉन बी वॉटसन और विलियम जेम्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन बी वॉटसन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र होते हैं, ए ह्यूमन सेल कंटेन्स क्रोमोसोम्स 50, 51, 46 या 45। जैसे कि आपको सबको पता है दोस्तों कि मानव गुणसूत्र जो होते हैं 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यहाँ पर टोटल पूछ रहा है, तो 23 × 46। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आयरिस के केंद्र में गोलाकार छिद्र डैश है, ए सर्कुलर होल इन द सेंटर ऑफ द आयरिस। जैसे कि आपको पता है आपकी आँख में जो काला बिंदु होता है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है, उसको क्या कहते हैं। तो 128 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्यूपिल, उसे प्यूपिल कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक अनुस्थापन और गतिशीलता प्रणाली जो दृश्य क्षति के अंतर्गत नहीं आती। तो इंग्लिश में, हिंदी में आप देख सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल है समझना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो इससे अच्छा है आप उसे इंग्लिश में पढ़ लें। एन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिस्टम विच डज नॉट फॉल अंडर द विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ऑप्शंस हैं ह्यूमन गाइड, केन ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एड्स और क्लचेस। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है, एन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिस्टम विच डज नॉट फॉल अंडर विजुअल इम्पेयरमेंट। तो विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर ऐसी कौन सी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी जो प्रणाली है, विजुअल इम्पेयर्ड लोग जो ट्रैवल करते हैं या चलते हैं या मोबिलिटी उनमें लाई जाती है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनकी मदद नहीं कर सकती। तो ह्यूमन गाइड है, केन ट्रैवल भी होता है और इलेक्ट्रिक ट्रैवल एड भी होता है, लेकिन क्लचेस, क्लचेस जो है विजुअल इम्पेयरमेंट व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से मोबिलिटी में मदद नहीं करता है, उनको फिर भी मदद की ज़रूरत होती है। स्वतंत्र रूप से मोबिलिटी के लिए केन, केन स्टिक आपको पता ही है, उससे विजुअल इम्पेयर्ड लोग चलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लचेस, क्लचेस यानी बैसाखी। तो 129 का ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं 130 क्वेश्चन, दृश्यता क्षति वाले व्यक्ति में कौन से लक्षण मिलते हैं। इंग्लिश में सिम्टम ऑब्जर्व इन द विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन। ऑप्शंस हैं, रब्स आई एक्सेसिवली, आई लुक रेड रिम्ड, फील डिफिकल्टी इन रीडिंग और डूइंग द टास्क। तो दोस्तों जैसे कि आपने पढ़े ऑप्शन, ये सभी लक्षण विजुअल इम्पेयरमेंट में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, सीपी की संलग्न स्थितियों में शामिल है, एसोसिएटेड कंडीशन ऑफ सीपी में इंक्लूड। तो सर्वल पॉलिसी के यहाँ पर एसोसिएटेड कंडीशन पूछ रहा है, ऑप्शन है MR, ASD, हेयरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट और ऑल ऑफ दी अबव। तो सीपी की जो एसोसिएटेड कंडीशन है उसमें ये तीनों ही शामिल हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीपी एक डैश है, सीपी इज़ अ क्रॉनिक डिसेबिलिटी, नॉन क्रॉनिक डिसेबिलिटी, क्यूरेबल डिसेबिलिटी, नन ऑफ दी अबव। तो सर्वल पॉलिसी जो है दोस्तों उसका वो है एक क्रॉनिक डिसेबिलिटी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सीपी का एक कारण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थॉट टू बी अ कॉज ऑफ सीपी। तो सीपी होने का कारण इनमें से कौन सा नहीं है, चार ऑप्शन दिए हैं, मेनिनजाइटिस, बर्थ ट्रॉमा, शेकन बेबी सिंड्रोम और अस्थमा। तो जैसे कि आपको पता है सीपी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी एक कंडीशन है जिसमें मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिससे हाथ पैर की समन्वय की क्षमता कम हो जाती है। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, दिमागी बुखार से भी ये हो सकता है, जन्मजात मानसिक दिमाग में कोई चोट लग जाए उससे भी हो सकता है, और शेकन बेबी सिंड्रोम से भी ये हो सकता है। लेकिन अस्थमा जो है वो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी सांस की बीमारी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 134। निम्नलिखित में से कौन सा ASD वाले व्यक्ति का एक लक्षण नहीं है,
तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं, सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक्सट्रीम फैसिनेशन एंड प्री ऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एटिपिकल ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ऊपर के तीनों लक्षण एएसडी में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी नहीं पाया जाता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एस्पर्जर सिंड्रोम या एस्पर्जर रोग डैश के रूप में परिभाषित है। तो पूछ रहा है एस्पर्जर डिसऑर्डर की परिभाषा यहाँ पर पूछ रहा है, इनमें से कौन सी होगी? ऑप्शंस हैं, ए डिले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सेल्फ हेल्प स्किल, ए प्री डिटर्मिनेटिंग फैक्टर टू सिजोफ्रेनिया, टिपिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंपेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, मोटिवेशन टू पार्टिसिपेशन इन सोशल इंटरेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टिपिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंपेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्कों में क्षति और सामान्य संज्ञानात्मक विकास, एस्पर्जर सिंड्रोम। 135 का सी। ऑटिज्म की DSM-4 परिभाषा दर्शाती है कि एक बालक को डैश की आयु से पहले स्वलीन यानी ऑटिज्म के लक्षण प्रदर्शित करने आवश्यक हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑटिज्म एक जो कंडीशन है, इसमें जो लक्षण होते हैं वो बच्चे की 3 साल की उम्र से पहले पहले नज़र आने लगते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो होंगे 1, 3, 4, 5 या 4, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 साल। आगे बढ़ते हैं, संचालक श्रव्यता हानि के कारकों में शामिल है। कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस इंक्लूड, ऑप्शन दिए हैं, माल फंक्शन ऑफ इनर ईयर, माल फंक्शन ऑफ द ऑडिटरी नर्व, ब्लॉकेज ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, माल फंक्शन ऑफ बोथ द इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉकेज ऑफ द ऑडिटरी कैनल, श्रव्यता नहर में रुकावट। आगे बढ़ते हैं, 138 क्वेश्चन। एक शिक्षिका यह संदेह कर सकती है कि उसके विद्यार्थी को श्रव्यता क्षति है यदि विद्यार्थी, तो यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि टीचर है वो उसे शक हो रहा है कि उसका जो बच्चा है क्लास में उसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है या सुनने में बाधा है, तो क्या लक्षण वो प्रदर्शित करेगा कि टीचर उस पर शक करे इस बात के लिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इज़ नॉट पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग सोशल स्टडीज़, सिट्स नियर द फ्रंट ऑफ द क्लास, आस्क फॉर इंस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेड फ्रिक्वेंटली, स्लीप इन द क्लासरूम, सामाजिक अध्ययन के दौरान ध्यान नहीं दे रही है, कक्षा के सामने निकट बैठ रही है, बार बार दोहराए जाने वाले निर्देश पूछती है, कक्षा में सोती है। तो टीचर को कब शक होगा कि उसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी पर, अगर वो बच्चा बार बार दोहराए जाने वाले निर्देश पूछ रहा है तो, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, सुनने में परेशानी वाले एक विद्यार्थी के लिए एक आईपी के विकास में डैश शामिल होना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ एन आईपी फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग शुड इंक्लूड। तो जब हम एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की आईपी तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से इनमें से एक शामिल होना चाहिए। क्या ऑप्शन दिए गए हैं? द चाइल्ड्स पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड सिबलिंग एंड ऑडियोलॉजिस्ट, द चाइल्ड्स पीडियाट्रिशियन एंड सिबलिंग। तो जब हम यहाँ हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों और आईपी बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर साफ सी बात है कि एक ऑडियोलॉजिस्ट को यहाँ पर शामिल करना ज़रूरी है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 140 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कारकों को बधिर अंधता का कारण माना जाता है। द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड टू बी कॉज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। तो डेफ ब्लाइंडनेस के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? इनमें से रुबेला, अशर सिंड्रोम और मैनिंजाइटिस। तो ये तीनों ही कंडीशन जो हैं ये रुबेला का कारण बन सकती हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 141, बधिर अंधता स्थिति वाले विद्यार्थियों की अद्भुत शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं। स्टूडेंट विद डेफ ब्लाइंड कंडीशन हैव यूनिक एजुकेशनल नीड। तो यहाँ कह रहा है कि जो डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं वो कैसे सीखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है। तो लर्न बाय साइट, लर्न बाय हियरिंग, लर्न बाय डूइंग और लर्न बाय साइट एंड हियरिंग। तो जैसा कि आपको पता है डेफ ब्लाइंडनेस की बात हो रही है तो वो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो साइट और हियरिंग की बात तो यहाँ पर नहीं आएगी। वो करके सीखते हैं या छूकर सीखते हैं यानी टच से सीखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा लर्न बाय डूइंग, ऑप्शन नंबर सी। 142 क्वेश्चन है, बहुविकलांगता का उदाहरण है। मल्टीपल डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल पूछ रहा है कौन सा होगा? डेफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म। तो जैसे कि आपको पता है ऑटिज्म, फिजिकल डिसेबिलिटी और लोकोमोटर एक एक टाइप है डिसेबिलिटी के, लेकिन डेफ ब्लाइंडनेस एक मल्टी सेंसरी डिसेबिलिटी है। यहाँ पर आँखों में कमी और बोलने में कमी और सुनने में कमी होती है, इसलिए मल्टीपल डिसेबिलिटी की कंडीशन डेफ ब्लाइंडनेस में बनती है, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। IDEA के अनुसार अर्थ अक्षमताओं वाले विद्यार्थी डैश की श्रेणी की आयु तक सेवित होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि हिंदी में कितनी टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। अकॉर्डिंग टू IDEA, स्टूडेंट विद क्वालिफाइंग डिसेबिलिटीज आर सर्व थ्रू द एज रेंज ऑफ। ऑप्शन हैं 5 से 21 साल, 3 से 18, जन्म से 21 या जन्म से 18।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन्म से 21 साल। दोस्तों ये एक एक्ट है जो अमेरिका में आया था, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। तो इस एक्ट के अनुसार जन्म से लेकर 21 साल तक के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 144वां क्वेश्चन है, एक विकलांगता प्रमाण पत्र डैश द्वारा जारी किया जाना चाहिए, शैक्षणिक बोर्ड, चिकित्सीय बोर्ड, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो दोस्तों जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो मेडिकल बोर्ड जारी करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विकलांगता की न्यूनतम डिग्री क्या होनी चाहिए? तो आपको जैसे कि पता है कि मिनिमम जो भारत सरकार ने नॉर्म्स तैयार किए हैं किसी भी विकलांग व्यक्ति को किसी भी तरह का कानूनी अधिकार या फिर रिजर्वेशन जो मिलेगा वो कम से कम 40% विकलांगता अगर होगी तो मिला तो दिया जाएगा। तो विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए जो विकलांगता की डिग्री है कम से कम 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। SSA का विस्तार, फुल फॉर्म ऑफ SSA पूछ रहा है, तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 19 जनवरी 2005 को NCTE और RCI के बीच एक समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए जो कि निम्नलिखित क्षेत्रों में एक साथ कार्य करने पर लक्षित है। तो दोस्तों RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये दोनों रेगुलेटरी बॉडी हैं, भारत सरकार की अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी हैं। NCTE जो है भारत में टीचर एजुकेशन के नॉर्म्स और टीचर एजुकेशन के कोर्स तैयार करती है, और RCI रिहैबिलिटेशन फील्ड के सारे काम करती है। इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, तो एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, विकलांगता विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ शिक्षक शिक्षा तैयारी कोर्स देने के लिए न्यूनतम मानक विकसित करना, सेवा में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक प्रशासकों, नीति निर्माताओं के अनुस्थापन, माता पिता और सामुदायिक सहयोग के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। तो दोस्तों ये जो एग्रीमेंट हुआ है ऑप्शन नंबर ए के लिए हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, डेवलपिंग मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ऑफरिंग टीचर एजुकेशन प्रिपरेशन कोर्स विद डिसेबिलिटी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 148, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है वो किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A के तहत, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रकृतिवाद शिक्षा का एक दर्शन है जो डैश में विकसित हुआ, नेचुरलिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डेवलप इन। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 19वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 150, किस वाद का दृष्टिकोण है, ईश्वर ने सभी वस्तुएं अच्छी बनाई है, मनुष्य उनके साथ छेड़छाड़ करता है और वे बुरी हो जाती हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच स्कूल हैड द व्यू गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, मैन मेडल्स विद एंड दे बिकम एविल। तो ये कौन सा दर्शन है जो ये इस बात में बिलीव रखता है, मार्क्सवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या अस्तित्ववाद? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म की ये थ्योरी है। 151 क्वेश्चन है, बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य निश्चित अवधि और स्थान के प्राप्त शिक्षा डैश कहलाती है, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स पीरियड और प्लेस। तो अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था अनौपचारिक शिक्षा का, तो वो यही है दोस्तों, ये कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा, इसमें कोई स्थान समय निश्चित नहीं होता, तो अनौपचारिक शिक्षा इसका आंसर होगा 151 का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, शब्द IQ किसने दिया, हु इंट्रोड्यूस द टर्म IQ, अल्फ्रेड बिने, डेविड वेस्लर, लेविस टर्मन, फ्रांसिस गाल्टन। चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्मन ने जो IQ टर्म है वो टर्मन ने इंट्रोड्यूस की थी, 152 का सी। शब्द विबग्योर के लिए एक उदाहरण है, द वर्ड विबग्योर इज एन एग्जाम्पल फॉर पार्ट लर्निंग, निमोनिक, फोटोग्राफिक मेमोरी और रोट मेमोरी। दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आता है तो, विबग्योर जैसे कि आपको पता है कि फुल फॉर्म होती है कलर्स कॉम्बिनेशन की, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इन सभी कलर्स कॉम्बिनेशन के हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी है जिसका नाम रख दिया विबग्योर। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में बना देते हैं तो उसको लर्न करना आसान हो जाता है। तो लर्न करने का जो तरीका है इसको निमोनिक कहते हैं दोस्तों। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि द वर्ड विबग्योर इज एन एग्जाम्पल फॉर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना डैश द्वारा शुरू किया गया, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर वाज इंट्रोड्यूस। तो ट्रायल और एरर थ्योरी लर्निंग की किसने दी थी, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गुथरी? तो ये थ्योरी जो दी थी वो दी थी थॉर्नडाइक ने।
154 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मायोपिया इज, मायोपिया है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, संकरित आँखें, आँखों में असंतुलन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है निकट दृष्टि दोष, यानी नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस को मायोपिया भी कहते हैं, यही इसका दूसरा नाम है। तो 155 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य मनुष्य का दृश्यता क्षेत्र, ए नॉर्मल पर्सन फील्ड ऑफ विजन, 60 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो दोस्तों जब हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं, जब हम बिल्कुल सामने देखते हैं, तो हम 180 डिग्री तक अपनी आँखों का दायरा खोल सकते हैं, या 180 डिग्री तक की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 157 क्वेश्चन। आरसीआई अधिनियम 1992 के अनुसार दृष्टि बाधितों में डैश होती है। अकॉर्डिंग टू आरसीआई एक्ट 1992, विजुअली हैंडीकैप वियर्स। तो विजुअल इंपेयरमेंट में क्या क्या कंडीशन होती हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट, विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 20/200 स्नेलेन इन द बेटर आई विद द करेक्टिंग लेंसेज, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन। तो दोस्तों ये तीनों ही कंडीशन इसमें शामिल होती है विजुअल इंपेयरमेंट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु डेवलप्ड द स्नेलन चार्ट, स्नेलन चार्ट किसने विकसित किया था। दोस्तों स्नेलन चार्ट वो चार्ट होता है जब आप अपनी आई टेस्ट कराने जाते हैं किसी ऑप्टिकल शॉप पर या अस्पताल में, तो वहाँ पर आपको एक कुछ वर्ड्स दिखाए जाते हैं जिनको आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो वो जो वर्ड्स दिखाए जाते हैं उसको स्नेलन चार्ट कहते हैं। तो ये किसने तैयार किया था, ऑप्शन दिए गए हैं, हेलन केलर, हर्बर्ट स्नेलन, लुई ब्रेल और सुलिवान। तो जैसा कि नाम से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हर्बर्ट स्नेलन, इन्होंने ही ये चार्ट तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। 159 क्वेश्चन है। सीपी की सहायता के लिए सबसे सामान्य चिकित्सा, सर्वल पाल्सी कोई बच्चा है तो उसके लिए सबसे अच्छी थेरेपी कौन सी होगी। ओटी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, प्ले थेरेपी या फिर फिजिकल थेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी जिसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फिजियोथेरेपी, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज सर्वल पाल्सी, सर्वल पाल्सी क्या है। ट्रबल इन, ट्रबल विद हियरिंग, ट्रबल विद सीइंग, ट्रबल विद मूवमेंट, ट्रबल विद पेइंग अटेंशन। तो जैसे कि आपको पता है सर्वल पाल्सी में हाथ पैर में मूवमेंट में कमी हो जाती है, तो हियरिंग, सीइंग और पेइंग अटेंशन से इसका संबंध नहीं होता, यहाँ होता है ट्रबल विद मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डिस्काइनेटिक सर्वल पाल्सी डैश के नष्ट होने से होती है। तो ये सर्वल पाल्सी का एक टाइप है, डिस्काइनेटिक सर्वल पाल्सी इज कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ। तो पूछ रहा है कि डिस्काइनेटिक सर्वल पाल्सी अगर हो जाए तो उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन दिए हैं, बेजल गैंग्लिया, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, सर्वल कॉर्टेक्स। तो इन चारों में से किस चीज़ में कमी आ जाए कि डिस्काइनेटिक सर्वल पाल्सी हो जाए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेजल गैंग्लिया। बेजल गैंग्लिया में कुछ कमी आ जाती है तो डिस्काइनेटिक सर्वल पाल्सी कंडीशन बनती है। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में समन्वय न होना जिसमें अस्थिर गति और लड़खड़ाती चाल शामिल है सेरिबलम में रोग के कारण डैश कहलाती है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, फेलियर ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन इंक्लूडिंग अनस्टेडी मूवमेंट एंड स्टैगरिंग वॉक ड्यू टू डिसऑर्डर इन द सेरिबलम इज कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर एक पूरी कंडीशन दी है कि ये स्थिति बताई गई है, पूछ रहा है कि इस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, एनोक्सिया, डिसलेक्सिया, पैराप्लेजिया और अटैक्सिया। तो दोस्तों एनोक्सिया जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होती है। पैराप्लेजिया आपको पता है सीपी का एक प्रकार है जिसमें दोनों पैरों में कुछ कमी आ जाती है। डिसलेक्सिया दोस्तों आपको पता है कि रीडिंग डिसऑर्डर है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशन बताई गई कोऑर्डिनेशन की वो होती है अटैक्सिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अटैक्सिया। आगे बढ़ते हैं। किस शैक्षणिक स्तर पर ऑटिज्म के अधिकतम रोग पहली बार पहचाने जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑटिज़म की जो पहचान है उसके लक्षण 0 से 3 साल की एज में सामने आ जाते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, प्री स्कूल। तो 3 साल की एज में अगर हम बात करें तो उसमें प्री स्कूल वाला ही ऑप्शन फिट बैठता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्री स्कूल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑटिज़म वाले विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलताएँ सिखाना अधिक प्रभावी होता है, डैश सिखाना अधिक प्रभावी होता है। टीचिंग सोशल स्किल्स टू द स्टूडेंट विद ऑटिज्म इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टॉट। चार ऑप्शन दिए हैं किस प्रकार से सिखाएं कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़े। तो विद अदर स्टूडेंट विद ऑटिज्म और अदर डिसेबिलिटीज इन आइसोलेशन सो देयर आर नो एक्सट्रेनियस स्टिमली इन मल्टीपल सेटिंग थ्रू आउट द डे इन द स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम। तो दोस्तों ऑटिज्म या ऑटिस्टिक बच्चों को अगर कोई स्किल हमें सिखाना है तो उसका बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, इन मल्टीपल सेटिंग थ्रू आउट द डे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 164 का ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हिंदी में लिखा है पूरे दिन में कई बार, और इंग्लिश में लिखा है इन मल्टीपल सेटिंग थ्रू आउट द डे। तो पूरे दिन में कई बार, इसके आगे इन्होंने इन मल्टीपल सेटिंग, अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग सिचुएशंस में हिंदी में यहाँ पर वर्ड नहीं लिखा है। तो एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन DSSB द्वारा वैलिड माना जाता है। तो अगर आपको आंसर करना है तो इंग्लिश वाले को ध्यान में रखकर ही आपको आंसर करना है पेपर में, क्योंकि हिंदी वाले को वैलिड नहीं माना जाएगा, इंग्लिश वाले को वैलिड माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 165 क्वेश्चन है। डैश एक उच्च रूप से संरचित एक एक व्यस्क निर्देशी अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण विधि है जो ASD वाले विद्यार्थियों को सिखाती है। दोस्तों हिंदी में आपको ये क्वेश्चन समझना बहुत मुश्किल लग रहा होगा, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डैश इज़ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड यूजली वन ऑन वन अडल्ट डायरेक्टेड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस अप्रोच टू टीच स्टूडेंट विद ASD। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को सिखाने के लिए एक विधि होती है, स्ट्रेटजी है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। पूछा है इनमें से कौन सी है, यहाँ पर टेक अप्रोच है, सोशल स्टोरीज हैं, डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग है और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग, असतत प्रयास प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण यंत्र ऑटिज्म वाले अधिकांश विद्यार्थियों की शक्तियों पर आधारित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैपिटलाइजेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मोस्ट स्टूडेंट विद ऑटिज्म। ऑप्शन पढ़ते हैं, विजुअल डायरेक्शन एंड पीयर ट्यूटर, हैंड्स ऑन लर्निंग वेयर द टीचर वर्बली इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट, विजुअल शेड्यूल चार्ट्स एंड क्यू कार्ड, ऑल द आंसर्ड एंड करेक्ट। सभी उत्तर सही है। तो जो ऑटिज़म अगर बच्चे से हम संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन हम करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट जो तरीका होता है वो हम करते हैं विजुअल शेड्यूल से या विजुअल चार्ट से या पिक्चर से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विजुअल शेड्यूल चार्ट्स एंड क्यू कार्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 167, सुनने में परेशानी वाले विद्यार्थियों के लिए निर्देशों की सर्वोत्तम विधि है। द बेस्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग। तो हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों को इंस्ट्रक्शन अगर देने हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि पूछ रहा है अमेरिकन साइन लैंग्वेज क्यूड स्पीच। देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड स्पीच रीडिंग। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने की कोई बेस्ट विधि अभी तक नहीं है, सभी का मिला जुला रूप ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 168 क्वेश्चन, श्रविदा क्षति वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीक में शामिल है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट विद हियरिंग लॉस इंक्लूड। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सी होगी, क्लोज कैप्शनिंग, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रेल और रेगुलर प्रिंट बुक। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ब्रेल तो होगा नहीं, और ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक ऑफलाइन एक टूल है। और रेगुलर प्रिंट बुक ये भी कोई, ये बुक्स टेक्नोलॉजी में नहीं आती, अमेरिकन साइन लैंग्वेज भी टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। क्लोज कैप्शनिंग जो है ऑनलाइन जब हम वीडियोज़ देखते हैं तो उसके लिए होता है क्लोज कैप्शनिंग, तो इसका असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में यूज़ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ए टीचर ऑफ डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के एक शिक्षक। तो इनमें से कौन से हैं, ऑप्शन दिए हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इवान पी पावलो, पियाजे और बंडूरा। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए कितना कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अगर यह पेपर में पूछ लिया जाए तो हमें याद नहीं आएगा। पूछा गया है कि डेसिबल लिखने का सही तरीका। अब हम डेसिबल काफ़ी बार पढ़ते हैं लेकिन उसको लिखने के तरीके पर कभी ध्यान नहीं देते। यहाँ पर चार तरह से डेसिबल लिखा गया है, DB कैपिटल में, पहला D कैपिटल, फिर B स्मॉल है, D स्मॉल है, B कैपिटल है और दोनों ही स्मॉल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है अगर पेपर में आ जाए तो। इसका जो सही आंसर है डेसिबल लिखने का जो सही तरीका है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, D स्मॉल और B कैपिटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टैक्टाइल मोड इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ASD, डेफ ब्लाइंड और हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो टैक्टाइल यानी स्पर्श विधि के द्वारा कौन सी डिसेबिलिटी के बच्चों को सिखाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेफ ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं वो टच से सीखते हैं, स्पर्श विधि से सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट विद डेफ ब्लाइंड हैज़ डिफ़िकल्टी विद। तो ऑप्शंस हैं एंटिसिपेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वीक ऑन मोटर स्किल और इन अटेंटिवनेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों पूर्वानुमान,
पूर्वानुमान लगाने में उनको दिक्कत होती है, उनका संज्ञानात्मक स्तर ठीक होता है और मोटर स्किल्स भी उनके ठीक होते हैं और ध्यान देने में उनमें कठिनाई नहीं होती, लेकिन पूर्वानुमान लगाने में उनको कठिनाई होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बधिर अंधता डैश का संयोजन है। तो डेफ ब्लाइंड कंडीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो डेफ ब्लाइंडनेस का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, इनमें से क्या होगा? विजुअल एंड फिजिकल इंपेयरमेंट, हेयरिंग एंड कम्युनिकेशन, विजुअल एंड लैंग्वेज, विजुअल एंड हेयरिंग इंपेयरमेंट। तो जैसे कि आपको पता है ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेफ ब्लाइंडनेस में विजुअल इंपेयरमेंट और हेयरिंग इंपेयरमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, द कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर पर्सन हु आर डेफ ब्लाइंड आर टच क्यूज, ऑब्जेक्टिव सिंबल, फिंगर स्पेलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो डेफ ब्लाइंड जो लोग होते हैं वो इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये थोड़ा डाटा का क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर दे नहीं पाएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2.21% जनसंख्या दिव्यांग है। तो दोस्तों अगली बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने परसेंट जनसंख्या दिव्यांग है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, 2.21% है। आगे कह रहा है, इनमें से कितने व्यक्ति गति संबंधित विकलांगता से ग्रसित हैं, यानी मूवमेंट डिसेबिलिटी, या सिंपल शब्दों में कहें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले कितने परसेंट हैं? चार ऑप्शन दिए हैं, 22%, 23.4%, 20.3% और 25%। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 20.3%। आगे बढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम के लक्षण, छोटी और चौड़ी गर्दन, छोटे आकार के कान, जीभ का प्रलंबन। तो ये सभी दोस्तों डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 177 क्वेश्चन है, खोपड़ी और सेरेब्रल अर्धगोले छोटे डैश हैं, द स्कल एंड सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आर स्मॉल। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये कंडीशन होती है कि जो कुछ बच्चे होते हैं इनका सर बहुत छोटा होता है, या फिर कुछ बच्चे इसका उल्टा होते हैं जिनका सर ज़रूरत से ज़्यादा या नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोसिफाली या माइक्रोसिफाली। माइक्रोसिफाली में सर छोटा हो जाता है, और इसके विपरीत हाइड्रोसिफाली अगर कंडीशन है तो सर में एक फ्लूड भर जाता है जिसकी वजह से सर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर छोटे की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसिफाली, ऑप्शन नंबर बी, 177 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट बी बेस्ड सोलली ऑन। तो जब हम आईपी बनाते हैं तो किस पर आधारित होनी चाहिए? विद्यार्थी की आवश्यकताएं, पूर्व में मौजूद कार्यक्रम, जिले में उपलब्ध सेवाएं, सामान्य शिक्षक की अनुशंसाएं। तो दोस्तों जब भी हम आईपी तैयार करते हैं किसी भी स्पेशल बच्चे के लिए, तो सबसे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं उसकी बच्चे की नीड्स पर, कि उसकी प्रायोरिटी ऑफ नीड्स क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, RMSA रमसा की फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय महिला शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय महिला साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक साक्षरता अभियान। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा की फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इनमें से क्या नहीं आता ये पूछ रहा है। तो रिगार्ड फॉर डाइवर्सिटी ये आता है, जीरो रिजेक्शन भी इसमें शामिल है, किसी को मतलब रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सभी का समावेशन किया जाएगा, स्पेशल क्लास प्लेसमेंट और कोलैबोरेशन। तो दोस्तों जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो उसमें विभिन्नता का सम्मान किया जाता है, और किसी को भी रिजेक्ट ना करने की बात की जाती है, और कोलैबोरेशन यानी सहयोग की बात की जाती है, लेकिन स्पेशल क्लास प्लेसमेंट की बात नहीं की जाती, क्योंकि स्पेशल क्लास प्लेसमेंट का मतलब है कि उस बच्चे को अलग कर देना, लेकिन जब हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो हम साथ लाने की बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आदर्शवाद के प्रणेता हैं, ऑप्शन दिए हैं प्लूटो, अरस्तु, कांटे और स्पेंसर। तो इसका जो सही आंसर है, आदर्शवाद के जो प्रणेता हैं वो हैं प्लूटो, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, RPWD एक्ट 2016 में कितनी विकलांगता शामिल की गई हैं? तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, 21 विकलांगता शामिल की गई हैं। अगर आपसे पूछता है PWD एक्ट 1995 में कितनी विकलांगता शामिल थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। इनको 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है RPWD एक्ट 2016 में। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का एक औपचारिक अभिकरण है, ए फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल यानी औपचारिक, मार्केट प्लेस, फैमिली, स्कूल, एग्जीबिशन। तो दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन जो हमें दी जाती है वो हमें दी जाती है स्कूल से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
पूछ रहा है बीएफ स्किनर ने डैश के साथ प्रयोग किया, तो स्किनर जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कौन से जानवरों के साथ अपने प्रयोग किए थे, वो थे चूहे, कबूतर, कुत्ते और घंटियां, बिल्ली और मछली, चिंपैंजी और केला। तो स्किनर ने चूहे और कबूतर के साथ प्रयोग किए थे, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, आइए पढ़ लेते हैं। मेमोरी प्रोसेस पूछ रहा है, यहाँ पर चार सीक्वेंस बताए गए हैं और पूछ रहा है कि इन चारों सीक्वेंस में से कौन सा सीक्वेंस सही है। तो मान लीजिए हम कोई लेक्चर ले रहे हैं, तो उस लेक्चर को किस तरह से हम अटेन करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। एनकोडिंग, अटेंशन, रिट्रैवल, स्टोरेज, कूटबद्ध करना, ध्यान देना, पुनः प्राप्त करना, भंडारण, या फिर ध्यान देना, भंडारण, कूटबद्ध, पुनः प्राप्त करना, या फिर ध्यान देना, कूटबद्ध करना, भंडारण करना और पुनः प्राप्त करना। ऑप्शन डी है, ध्यान देना, भंडारण करना, पुनः प्राप्त करना या कूटबद्ध करना। तो दोस्तों जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं या फिर कोई लेक्चर सुनते हैं तो सबसे पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। ध्यान देने के बाद दोस्तों उनकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है लेक्चरर। तो इसका मतलब होता है कूटबद्ध करना। ये दोनों चीज़ें करने के बाद दोस्तों हम उसको अपने दिमाग में स्टोरेज करते हैं, भंडारण, और उसके बाद पुनः प्राप्त करना यानी उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 186 शब्द पर्सनैलिटी परसोना से उपजा है, जिसका अर्थ है। तो दोस्तों पर्सनैलिटी जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के शब्द परसोना से निकाला गया है। अब परसोना का मीनिंग यहाँ पूछा जा रहा है क्या होता है। सोल, द एनिमल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, थिएट्रिक मास्क, दैट ऑप्शन डी है, दैट विच ओनली ट्रू इज। तो परसोना का मतलब होता है दोस्तों मुखौटा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, थिएटर का मुखौटा। दृश्यता अभिज्ञता डैश द्वारा होती है, विजुअल परसेप्शन इज कैरिड आउट बाय। तो 87 क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे ब्रेन में चार लोब होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये चारों के नाम है फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पर जो काम बताया गया है विजुअल परसेप्शन, तो किसी चीज़ को देखकर समझना, ये हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीपिटल लोब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एमएमआर वैक्सीन, एमएमआर टीका कब लगाया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हैं 5 वर्ष, 14 हफ्ते, 10 वर्ष या 5 से 18 महीने। तो एमएमआर का फुल फॉर्म अगर आ जाता है दोस्तों तो इसकी फुल फॉर्म होती है मीजल्स, मम्स और रुबेला। तो इन तीनों का टीका लगाया जाता है, ये लगाया जाता है दोस्तों 15 से 18 महीने के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बच्चे को लगाया जाता है टीका। एथेटॉइड, तो एथेटॉइड एक कंडीशन यहाँ बताई है और उसके बारे में पूछ रहा है क्या होती है। संतुलन में कठिनाई, मांसपेशियों में कठोरता, मांसपेशियों की मजबूती कम होना या अनैच्छिक गति। तो एथेटॉइड जो कंडीशन है इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, अनैच्छिक गति, इनवॉलंटरी मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिसग्राफिया, दोस्तों डिसग्राफिया पूछ रहा है कि डिसग्राफिया में क्या होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, डिसग्राफिया होती है लिखने में अक्षमता या लिखने में कुछ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं संख्याओं के साथ कठिनाई, लिखावटों के साथ कठिनाई, शब्दों के साथ या क्रियाओं के साथ। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी का एक टाइप है डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, लिखावट के साथ कठिनाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 191, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI अधिनियम डैश में प्रभावी हुआ 1976, 1987, 1992 या फिर 2004। तो जो RCI एक्ट है दोस्तों वो 1992 में आया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 192 पूछ रहा है फुल नेम ऑफ PWD, पर्सन्स विद डिफेक्ट एक्ट, पीपल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज एक्ट। तो PWD एक्ट 1995 में आया था दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परीक्षा देने और नियत कार्य पूर्ण करने में देरी, प्रारूप विभिन्नता, चरण दर चरण, निर्देश और ग्राफिक आयोजक डैश के उदाहरण हैं। दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि हिंदी में कितना मुश्किल है इस क्वेश्चन को समझना। तो अगर आपके सामने पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको हिंदी में समझना मुश्किल हो तो उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर पढ़ें। इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक्सटेंडेड टाइम फॉर टेकिंग टेस्ट एंड कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स, वेरिंग फॉर्मेट, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर आर एग्जांपल ऑफ। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं पूछ रहा है कि ये इनमें से किस कंडीशन में किया जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर बताए गए हैं,
एडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन, एकोमोडेशन और ओवरलैपिंग करिकुलम। तो ये जो चीज़ें की जाती हैं कि टेस्ट देने में टाइम को एक्सटेंड करना, असाइनमेंट बनाने में ज़्यादा टाइम देना और बार बार स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना, तो जब ये किया जाता है तो इसको कहा जाता है दोस्तों एकोमोडेशन यानी समायोजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पाठ्यक्रम परिवर्तन जिसमें सभी विद्यार्थी समान सामग्री पढ़ते हैं परंतु उस पाठ्यक्रम में क्या सीखना है यह अध्ययन विकलांगता वाले छात्र के लिए अलग होता है, यह कहलाता है। इंग्लिश में देखते हैं, ए करिकुलम चेंज इन विच ऑल स्टूडेंट स्टडी द सेम कंटेंट बट वट इज़ टू बी लर्न विद इन दैट करिकुलम डिफर्स फॉर ए स्टूडेंट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर बात की गई है एक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है जो क्लास के बाकी बच्चों वाला ही करिकुलम और सिलेबस पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद उसमें से उसने क्या सीखना है ये उसके लिए थोड़ा सा अलग होता है। तो ये जो अलग होता है इन चारों में से कौन सी कंडीशन में होता है ये पूछा जा रहा है। एन ओवरलैपिंग करिकुलम, ए पैरलर करिकुलम, एन अकोमोडेशन, एन अडेप्टेशन। तो 194 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए पैरलर करिकुलम बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। PWD की स्थापना, तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, PWD एक्ट 1995 में आया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है इंचोन स्ट्रेटजी। दोस्तों ये थोड़ा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो इसका आंसर दे नहीं पाएंगे। ऑप्शंस है कि पूछ रहा है इंचोन स्ट्रेटजी क्या है, तो ऑप्शन है ASD को सिखाने की विधि, सीखने की रणनीति, अधिकार को दास्तविक बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं, मेथड टू टीच ASD, लर्निंग स्ट्रेटजी, मेक द राइट रियल और नन ऑफ द अबव। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इंचोन स्ट्रेटजी एक एशिया की स्ट्रेटजी है, एक प्लान है जो 2012 में आया था, जो डिसेबिलिटीज़ या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए वेलफेयर के लिए काम करने वाली स्ट्रेटजी है। ये 2012 में लाई गई थी और इसका जो टैगलाइन है वो है इंचोन स्ट्रेटजी टू मेक द राइट रियल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेक द राइट रियल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 197 क्वेश्चन है, एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का लक्ष्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, सामाजिक और राष्ट्रीय अखंडता प्राप्त करना, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा का लक्ष्य जो होता है वो उत्पादन बढ़ाना भी होता है, सामाजिक और राष्ट्रीय अखंडता को प्राप्त करना भी होता है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना भी होता है। तो 197 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शैक्षणिक मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा शिक्षण और अध्ययन का अध्ययन डैश द्वारा दी गई। इंग्लिश में पढ़ते हैं, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हैज़ बीन गिवन बाय। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, W. कोलेंसिक, जेम्स लॉस, चार्ल्स ई स्किनर और NL मुन। तो इसका जो सही आंसर है, ये डेफिनेशन जो दी है वो दी है दोस्तों चार्ल्स ई स्किनर ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी बुद्धिमत्ता परिकल्पना सामान्य बुद्धिमत्ता G और विशिष्ट बुद्धिमत्ता S की उपस्थिति की वकालत करती है? विच वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस G और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस S? तो ये इंटेलिजेंस थ्योरी से एक क्वेश्चन आ गया है, पूछ रहा है G और S जो फैक्टर बताए गए हैं कौन सी थ्योरी में है इंटेलिजेंस की। चार ऑप्शन दिए हैं, अनार्किक थ्योरी, गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट और स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी और वर्नॉन्स हायरार्किकल थ्योरी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पेयरमैन ने बोला है कि बुद्धि में दो कारक होते हैं जिसमें से एक कारक सामान्य होता है जिसे जी कहते हैं और दूसरा कारक स्पेशल होता है या स्पेसिफिक होता है जिसे एस से डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 200। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए ये करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रमेश और अंकित का 120 का समान IQ है, यानी रमेश और अंकित दो जने हैं यहाँ पर जिनका IQ बराबर है और IQ है 120। रमेश अंकित से 2 साल छोटा है, यानी रमेश जो है अंकित से 2 साल छोटा है, अंकित 12 साल का है। तो रमेश अंकित से 2 साल छोटा है तो अंकित 12 का है तो रमेश 10 साल का हो गया। रमेश की मानसिक आयु यहाँ पूछी जा रही है,
तो ऑप्शन दिए हैं 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 14 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा और एक फार्मूला पुट करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ करना कैसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रमेश जो है अंकित से 2 साल छोटा है, अंकित 12 साल का है, तो रमेश की जो क्रोनोलॉजिकल एज CA यानी शारीरिक आयु जो है वो 10 साल हो गई। IQ दोनों का 20 है, तो रमेश का IQ भी यहाँ पर 120 होगा। दोस्तों IQ का एक फार्मूला होता है, IQ बराबर MA यानी मेंटल एज और CA क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमें रमेश की मेंटल एज निकालनी है, तो IQ हमें पता है 120, तो IQ हमने 120 रख दिया है। इसके बाद मेंटल एज हमें निकालनी है, वो हमें पता नहीं है। क्रोनोलॉजिकल एज रमेश की 10 साल है, यहाँ पर रख दी हमने और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, यहाँ पर 0 से 0 काट दिया है। इसके बाद 120 और ये वाला 10 जो है ये नीचे लेके आए हैं, इसके बाद यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दिया है और मेंटल एज जो निकल के आई है रमेश की वो आई है 12 साल। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, IQ का फार्मूला IQ बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज यानी मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज यानी उसकी शारीरिक आयु जो वास्तविक उसकी आयु है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है और आंसर आया है मेंटल एज 12 साल। तो दोस्तों ये है ये स्पेशल एजुकेशन का पेपर जो है पोस्ट कोड 15/17 का, इसका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 22 जुलाई 2018 को। तो दोस्तों जो भी साथी आने वाली स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी के जो फॉर्म भरे जा चुके हैं और उनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, 100 क्वेश्चन मैंने बताए हैं जिनको सॉल्व किया गया है, वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जो भी साथी स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए और वो इसका लाभ ले सकें। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग पोस्ट से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।